CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित एक पाठ की ध्वनि प्रस्तुति। पाठ का शीर्षक है सांस सांस में बांस। एक जादूगर थे चंग की चंगल नबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े कर्तव्य दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई। और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा। पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सातों राज्यों में बांस बहुत उगता है। इसलिए वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहां हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलियानुमा चीजें बनाई होंगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयां, टोपियां, टोकरियां, बर्तन, बैलगाड़ियां, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे
पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे में गुंथी हुई होती हैं। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे, और हां, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना न भूलना। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आम तौर पर वे एक से तीन साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। दाओ यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हरेक गठान से काटा जाता है। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि दो या तीन या चार गठानों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाएं। यानी कहां से काटा जाएगा ये टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आम तौर पर खपच्चियों की चौड़ाई एक इंच से ज्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपच्चियां किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियां बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियां लचीली होती हैं। खपच्चियां चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी है। यहां फिर दाव काम आता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। इसके लिए ज्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें
आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। ट्विल बुनना हो तो हर एक बाना दो या तीन तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। बांस से मेरा रिश्ता। बांस का ये झुरमुट मुझे अमीर बना देता है। इससे मैं अपना घर बना सकता हूं। बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूं। सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूं। बांस का कोयला जलाता हूं। बांस का अचार खाता हूं। बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई। और फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट ले जाया जाएगा। सांस सांस में बांस। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन संजय कुमार सुमन, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, आलेख एलेक्स एम जॉर्ज, अनुवाद शशि सबलोक, कलाकार शरद तिवारी, तकनीकी नियंत्रण सतीश लाड़े, ध्वन्यांकन अमिता भट्टी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति दाऊदयाल चतुर्वेदी।